दोस्तों मोटोरोला ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना मेड इन इंडिया स्मार्टफोन और मेड फॉर इंडिया स्मार्टफोन, जिसका नाम है मोटो जी 9। दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन और इसके क्वालिटी की बात करें, उससे पहले आप हमारी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस फोन के बारे में। दोस्तों इस फोन के अगर डिजाइन की बात करें तो एक प्लास्टिक डिजाइन में आता है। इस फोन में 3 कैमरा है और एक LED लाइट है और दोस्तों फोन के नीचे एक स्पीकर ग्रिल है और एक सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट है और एक माइक्रोफोन है। दोस्तों फोन के लेफ्ट साइड में सिम ट्रे है और फोन के जस्ट ऊपर एक नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन है और 3.5 mm की जैक है। और दोस्तों फोन के राइट हैंड में 3 बटन्स हैं, जिसमें से एक गूगल असिस्टेंट के लिए है और एक वॉल्यूम का है और एक दोस्तों पावर ऑन और ऑफ करने के लिए है। दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन का 662, जो कि बहुत ही लेटेस्ट चिपसेट है और 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है, जो कि काफ़ी अच्छा स्मूथ रन करेगा। और दोस्तों इस फोन का वेरिएंट एक ही वेरिएंट में आता है, जो कि 4 GB रैम और 64 GB की स्टोरेज के साथ आता है। दोस्तों इस फोन की बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी आती है और 20 वाट के फास्ट चार्जर के साथ, जो कि मोटरोला एक टर्बो चार्जर बताता है। दोस्तों इस फोन में डुअल 4G और वोल्टी का सपोर्ट है, जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, यानी कि आप एक साथ 3 चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं, या तो आप 2 सिम लगा सकते हैं या एक सिम या एक चिप। दोस्तों इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले है और ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है और दोस्तों इसमें डुअल बैंड की वाईफाई की कनेक्टिविटी है। दोस्तों इस फोन के कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो कि 1.7 एपर्चर के साथ आता है और इसमें दोस्तों ध्यान करने वाली बात है कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं है, इसलिए 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। दोस्तों इस फोन के फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और दोस्तों इस फोन के और दोस्तों अगर हम इस फोन के गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 GB 64 GB के साथ और 11 नैनोमीटर की चिपसेट और स्नैपड्रैगन का बहुत ही लेटेस्ट 662 का प्रोसेसर के साथ एक बहुत ही नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस फोन में गूगल का फ्रेश UI आता है, जो कि काफ़ी अच्छा और लैग फ्री UI है और इस फोन को आप चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको महसूस होगा, ना तो कहीं ये फ़ोन रुकेगा ना ही कुछ होगा, मतलब बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। दोस्तों लास्ट में इस फोन के कीमत की बात करें तो ये फ्लिपकार्ट पर 11,499 रुपये में अवेलेबल है, जो कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और ओनली इन इंडिया लॉन्च हुआ है इस टाइम, तो आप इस फोन को पहली सेल में खरीद सकते हैं और नॉर्मल गेमिंग के लिए काफ़ी बेहतर फ़ोन साबित हो सकता है दोस्तों, और आपके नॉर्मल यूजिंग के लिए भी काफ़ी बेहतर फ़ोन साबित हो सकता है। दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो एक बार लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा और आपको क्या कमियाँ नजर आई इसके बारे में आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।